प्ले करना रहेगा तो कहाँ से करना पड़ेगा। आई सर आवाज? यस उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोगों ने अभी हमने इससे पहले आपको लेसन पढ़ाए थे आबी खानदगी की, है ना, आपको याद होगा बेटा। अब जो है हम आइंदा आपका जो ये अपना ऑनलाइन लेसन है हम लेने जा रहे हैं तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, बिस्मिल्लाह। अक्सर हम बच्चों सुनते हैं कि कहीं कोई हादसा हो गया है ना, कहीं जलजला आता है तो कहीं आंधी, कहीं तूफान, कहीं सैलाब, कहीं बिजली गिरती है, कहीं चट्टाने खिसक जाती है तो कहीं ओले पड़ते हैं। जैसे अभी आजकल देखो चल रहा है, अभी जापान में, चीन में इतना बड़ा सैलाब आया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। और इससे पहले ही दरमियान में ऑस्ट्रेलिया में देखो आग लग गई थी, जंगल में आग लग गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कैसे नुकसान होता है इसमें, लोग जख्मी होते हैं, कुछ हलाक हो जाते हैं, कुछ लोग घर पर भी जो है रहते हैं तो घर, मतलब घर गिर जाते हैं तो उसी में बेचारे हलाक हो जाते हैं। यानी ये सारे हादसा कितने अलग अलग टाइप के होते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो हमारी फसलें जो है वो ख़राब हो जाती है। यानी ये सारी जो तकलीफें आती है, ये सारे जो हादसा होते हैं, इसमें क्या होता है बेटा, हमारा बहुत जानी और माली नुकसान होता है। जानी कैसे, हमारे इंसान जानेगा, हम जान गंवा देते हैं, अचानक हादसा हो जाता है ना ये, फिर हमारे नुकसान होता है। जैसे अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, पानी भर गया तो हमारी गाड़ियाँ, देखो गाड़ियों का कितना नुकसान हो जाता है, गाड़ियों में पानी आ जाता है ना बेटा। तो ये सारी चीजें जो बंद हो जाती है तो इसकी वजह से, यानी और ये सब इतना तकलीफ होती है, इतने नुकसान होते हैं हमारे। और इस नुकसानों की, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए एक वक्त लग जाता है ना। जैसे देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों पढ़ाई कर रहे हैं बेटा घर पर बैठकर, हम लोग स्कूल क्यों नहीं आ रहे आप लोग? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इसलिए नहीं आ रहे। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इसलिए हम स्कूल नहीं आ रहे हैं और घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये लॉकडाउन क्यों है बोलो? कोरोना की वजह से। वेरी गुड, कोरोना की वजह से जो है लॉकडाउन हुआ है। अब ये कोरोना कितना छोटा सा, एकदम मामूली सा जराशीम है, हमने देखे है ना, और किस तरीके से जो है वो हमारा, हम इंसानों की जान ले रहा है। कभी हमने सोचे थे कि ऐसा होने वाला है, सोचा था आपने? नहीं, नहीं ना, हम लोग सिर्फ संडे का इंतजार करते थे कि जब स्कूल की मतलब कब संडे है और कब हम आराम करें, स्कूल नहीं जाएं, ट्यूशन नहीं जाएं, ऐसा सब सोचते थे हम लोग। लेकिन ये अचानक बीच में आ गया और हम लोग कब से, फरवरी मार्च से जो है हम लोग घर पर हैं, है ना, स्कूल खुलानी है, हम घर पर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कुदरत की तरफ से होती है बेटा, और इसको मामूल पर आने के लिए एक वक्त लग जाता है। और इन हादसात को टालना जो है हम इंसानों की बस में नहीं होता है, है ना। वो कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, हम बिल्कुल भी नहीं जानते और ना हम इसको टाल सकते हैं। तो ये सारे हादसात जो हैं, इन हादसात को क्या कहते हैं, कुदरती आफात, है ना। अब ये कुदरती आफात अलग अलग किस्म की होती हैं, तो आज हम आपके लेसन में आपको इन्हीं चंद हादसात के बारे में, चंद आफात के बारे में आपको बताएंगे। आपको बेटा निकालना नहीं है बुक वगैरह, सिर्फ आपको देखना है और सुनना है। हमने सब यहाँ पर आपकी बुक्स जो है आपके स्क्रीन पर लेकर आए हैं, ठीक है? Yes, miss. देखिए यहाँ पर ये, यहाँ पर जो है कुदरती आफात की जो है अलग अलग हमने यहाँ तस्वीरें ली हुई है। ये देखो एक मिनट,
देखो, जलजला, तूफान, सैलाब और जंगल की आग जैसी आफात माहौल में होने वाली तब्दीलियों की वजह से होती है। ये यहाँ पर देखो, हम लोग बता रहे हैं आपको चेंज हो रहा है। एक मिनट था बेटा, बड़ा नहीं होगा। हाँ, ये देखिए, ये जो है नजर आ रहा है आपको, ये है सैलाब की तस्वीर है। कैसे है कि हम बताएंगे इसके बारे में आपको। ये सैलाब है, कुदरती आफत है एक। ये यहाँ पर देखो, ये रास्ता कैसा, किस तरीके से रास्ते में जो है दरार पड़ गई है। दो एकदम हम लोग रास्ते से गुजरते हैं तो हम देखते हैं ना रास्ता कैसा प्लेन हमवार सतह होती है। लेकिन देखो अब यहाँ पर, क्या हम लोग उसको ऐसे तोड़ सकते हैं बेटा? बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। ऐसे इस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर भी कैसे हो गया ये, जैसे कि अगर हमारे पास एक सॉसर है और सॉसर को हमने जरा जोर से जमीन पर पटक दिया तो कैसे उसमें क्रैक हो जाता है। तो ये पूरे रास्ते में क्रैक हुआ है। तो ये क्यों हुआ पता है? जलजले की वजह से हुआ है। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, बच्चे, दो बच्चे नजर आ रहे हैं ना आपको। ये लोग जो है पानी की तलाश में घूम रहे हैं। और ये जमीन जो है, जमीन में भी देखो कैसी दरारें पड़ी हुई है। यहाँ पर देखो, पौधे जो है, पेड़ जो है वो सूख चुके हैं, उनके पत्ते झड़ चुके हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ इनको पानी नहीं मिला है। हमने बताया थे ना कि इंसानों और जानवरों, जानदारों को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो इनको पानी नहीं मिला। तो ये पानी नहीं मिला क्यों, ऐसी सूरत हाल होती है? जब बरसात नहीं होती है तो जो है इस तरीके से सूखा पड़ जाता है। बहुत ज्यादा बारिश आई तो देखो यहाँ पर ये सैलाब आ गया है ना। बहुत ज्यादा बारिश आने पे सैलाब आ गया। बहुत बारिश नहीं आई तो कहत पड़ गया। फिर यहाँ देखो, ये दरार पड़ गई है जमीन में, तो इसे जलजला कहते हैं। ये हमने आपको बताया है कि जंगल में कितने पेड़ पौधे दरख्त होते हैं, तो ये सारे जो है जल गए जाते हैं खुद ब खुद, हाँ, कुदरती तौर पर। तो उसको क्या बोलते हैं? जंगल की आग। ठीक है, देखो कुदरती आफत, अजलजला, तूफान, सैलाब और जंगल की आग जैसी आफत माहौल में होने वाली तब्दीलियों से होती है, जिनकी वजह से इंसानी जान और माल का नुकसान होता है। अब आप सोच रहे होंगे आफत, आफात यानी क्या? आफात जो है ना, असल में बच्चों जमा है किस चीज की? आफत की। और आफत मतलब है मुसीबत। ठीक है, बस आफत यानी मुसीबत। आप सुन रहे हो ना बच्चों? यस मिस, ओके, थैंक यू। यस मिस, अब देखिए यहाँ पर ये नजर आ रही है आपको सैलाब, तस्वीर, सैलाब पानी नजर आ रहा है, किस तरीके से पानी बह रहा है। मिस, इसका अब ये नाम बताओ, इसका नाम सैलाब है। वेरी गुड, इसका नाम सैलाब है, शाबाश। अब ये सैलाब क्यों आता है हम आपको बताते हैं। देखिए, हम लोग घर में भी एक तजुर्बा करके देख सकते हैं। अगर हमने एक घर में अपने वॉशरूम में एक बकेट रखी है और नल के नीचे, और नल को हमने फास्ट खोल दी, तो क्या होता है, हमारी जो बकेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भरती जाती है ना, भरती है। और फिर जितनी उसकी लिमिट है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उतनी भरने के बाद क्या होता है, पानी बाहर बहने लगता है ना, बकेट के बाहर बहने लगता है और आसपास फैलने लगता है। तो इसी तरह बेटा, जब मुसलसल बरसात के मौसम में 3 दिन 4 दिन तक कंटिन्यू बारिश आती है, तो जो नदी होती है, जो समंदर होते हैं, उनकी जो सतह जो है, उनकी सतह पर पानी बढ़ जाता है। और जब वो पानी एकदम बढ़ जाता है तो ओवरफ्लो होने लगता है। अब पानी को तो बहना बहना उसकी खसूसियत है ना, हमने बताया कि पानी जो है बहता है। तो पानी का फिर जब कहाँ बहने लगता है, उसकी सतह एकदम फुल हो जाती है, भर जाता है, तो वो आसपास फैलने लगता है इस तरीके से। देखिए, हाँ, आसपास फैलने लगता है और बस्तियों में दाखिल हो जाता है। देखो यहाँ पर किस तरीके से ये बस्ती में दाखिल हो गया, तो घर कितने पानी में डूब गए, पूरे डूब गए पानी में। इससे हमको नुकसान हुआ या नहीं हुआ है ना, तो ये कुदरती आफत की वजह से जो है हमें नुकसान हुआ। पानी जो है आबादी में फैल गया, और आबादी में फैलने से इंसान जो है किस तरीके से मुतासिर हो गए। देखो पूरा घरों के पास पानी भर जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर
आप लोगों को भी पता है ना, जब बहुत ज्यादा, अभी तो हमारी मिस स्कूल की मिस छुट्टी है। हमारे यहाँ मटका हाँ गली और चूड़ी गली में भी बहुत ज्यादा पानी भर गया था। हाँ वेरी गुड। देखो हम ये वही बता रहे हैं आपको कि देखो यहाँ पर किस तरह से एरिया में जो पानी भर गया बरसात होने की वजह से, है ना। तो इससे जो है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर होती है। देखो ये रिक्शा साइकिल वालों को चलने की तकलीफ हो रही है, हमको अगर चलना पड़े ऐसे पानी में तो कितनी तकलीफ होती है। कहीं जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होता है तो उसका ढक्कन जो है बरसात का पानी बहने के लिए बीएमसी खोल भी देती है ना। तो क्या होता है कि अगर हमको पता नहीं है बेटा कि यहाँ पर वो खुला हुआ हिस्सा है या नहीं है, और ऐसे इसमें हम चलेंगे तो क्या होगा, हम गिर जाएंगे, उसमें पैर फिसल सकता है हमारा। तो ये नहीं, इस सैलाब की वजह से कितना नुकसान होता है हमको। देखो अब यहाँ देखो ये हमारी गाड़ियां पानी में डूब गई, क्या ये दोबारा चलने लायक की रहेगी? नो नो मिस ना, इसके इंजन में पानी भर गया, तो इससे जो है ये गाड़ियां भी हम दोबारा चला नहीं सकते हैं। और तो और अभी आजकल पता है ना आपको कि सब एसी गाड़ियां होती है, उसके हम कांच जो है विंडोज जो है उसको बंद कर देते हैं, तो क्या होता है उसी के अंदर अगर जो लोग रह गए तो वो उसके अंदर रह रह के उनकी दम घुटने से मौत वाकई हो जाती बेटा। तो इन्हें देखो ये सैलाब से कितने नुकसान हो रहे हैं। ये यहाँ पर देखो इस तस्वीर में इंसान तो इंसान, ये जानवर देखो बेचारे, है ना, बेचारे जानवर भी कैसे मर रहे हैं। तो इस वजह से बहुत नुकसान होते हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है जानी और माली नुकसान होता है। ये माली नुकसान हुआ, जैसे अभी ये हमारे घर में है, फर्नीचर हमारा खराब हो जाता है, हमारे जो अनाज है वो खराब हो जाता है, ये हमारी गाड़ियाँ खराब हो गई, हमें आने जाने में दुश्वारी हो गई। जो बेचारे रोजाना कमाने वाले हैं उनके धंधे होते हैं बेटा, नहीं होते हैं तो वो बेचारे क्या खाएंगे, ये हमारे जानवर मर गए। तो इतनी सारी तकलीफ हो जाती है जिसकी वजह से हमें जो है बहुत परेशानी होती है ना, बताओ मुझे होती है या नहीं? आवाज नहीं आ रही है किसी की? वेरी होती है गुड, सिर्फ एक ही बच्चा मुझे जवाब दे रहा है, होती है परेशानी। तो ऐसी परेशानी यानी ये सब हमारे बस में नहीं होता है। तो जब ऐसी सूरत हाल आ जाए तो हमको क्या करना चाहिए? देखो हम बता रहे हैं आपको, ये यहाँ पर देखो क्या करना है, डू नॉट वॉक इन टू फ्लोडेड एरियाज। जैसे अगर जो सैलाब वाला एरिया है तो वहां पर हमको जाना नहीं चाहिए, है ना। और ऐसे अब वहां तो हम खुद तो जाएंगे नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ही आ गया तो हमको ऐसे इसमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, किसी ऊंचे मकाम पर चला जाना चाहिए। जैसे अगर हम बिल्डिंग में हैं तो फर्स्ट फ्लोर छोड़ के हमको सेकंड फ्लोर पर चले जाना चाहिए, और जब तक कि हमको नीचे नहीं उतरना चाहिए तब तक कि ये पानी की सतह कम ना हो जाए, है ना। फिर सैलाब आए हुए एरिया में जो है चलने से भी गुरेज करना चाहिए, क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारा कहीं पैर स्लिप हो जाए और हम गिर जाए, और बहुत मजबूरी हो और हमको अगर चलना पड़े तो हमको क्या करना चाहिए, एक लकड़ी अपने साथ रखना चाहिए और उससे आगे के रास्ता पता करना चाहिए कि कहीं कोई गड़ा वगैरह तो नहीं है जिसमें हम गिर ना जाए। तो ये सारी एहतियात जो बेटा हमको करनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक आपको? एक मिनट हाँ बच्चों, बच्चों की फोटो ले लेते हैं। अब हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट। मिस जी बेटा, अभी भी हम लोग के यहाँ बारिश है। अभी भी बारिश है ना, तो हमको हाँ एहतियात करना चाहिए। और हमारे यहाँ बारिश के मौसम जो बारिश है, हो भी रही है। ओके देखो बारिश हो भी रही, हम आपको बताते हैं कि ये तो हमने बारिश के सीजन का बता दिया कि बरसात मुसलसल होने की वजह से जो है ये हमें नुकसान होता है, सैलाब आता है, ठीक है। अब बारिश के हमारे महाराष्ट्र में जो है उमूमन 4 महीने हम फिक्स किए हुए हैं ना, जैसे जून जुलाई अगस्त और कौन सा सितंबर महीना, सितंबर, वेरी गुड। इन 4 महीने को जो है बारिश बरसात के मौसम के महीने हम कहते हैं, ये जो 4 महीने जो है बरसात के मौसम का अरसा होता है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बरसात के मौसम के बाद भी नवंबर दिसंबर में भी देखो लास्ट मरतबा लास्ट ईयर बारिश हुई थी, तो ये बेमौसम बारिश थी। और ऐसे वक्त में अगर हम लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, हमको पता नहीं कि बारिश होने वाली है, तो क्या होता है फौरन जो लोग क्या करते हैं, फटाफट जैसी बारिश शुरू हो गई तो हम लोग किसी शेड को ढूंढते हैं, कोई शेड के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। ये तो हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी फसलें जो है पककर तैयार हो गई भी होती है,
क्या उसको हम कवर कोई कर घर सकते हैं के बेटा? नीचे जाके छुप सकते हैं, हाँ, लेकिन देखो खेतों में जो है हमारी फसलें जो उगी हुई रहती है, क्या हम उसको इतना बड़ा कवर कर सकते हैं, इतने कपड़े कपड़े से ढाक सकते हैं? नहीं ना। तो नहीं। ऐसी बारिश में क्या होता है, जो हमारी फसल है ना बेटा वो खराब हो जाती है, जो अनाज उगता है किसान जो तैयार करता है बरसात आने से पहले बीज बोता है, आपको इसने बताया होगा है ना। तो क्या होता है कि वो जब बरसात में फिर जब उसको उन फसलों को पानी मिलता है, पौधे बड़े होते हैं, फसल तैयार होती है, और जब पकने के करीब आती है और अचानक बारिश आ जाए, तो ऐसी बारिश को क्या बोलते हैं, बेमौसम बारिश। तो ये भी एक तरह से बेमौसम कुदरती, बारिश। हाँ ये भी एक तरह से कुदरती आफत ही है जिससे हमारी फसलों का नुकसान होता है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये यहाँ पर देखिए हमने बताया था ना कहर पड़ता है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो नदियों में सैलाब आ जाता है, और अगर बारिश ना हो, तो बहुत पूरा कम जमीन हो, सूखा रहता है। हाँ ये देखो नदियों में पानी सूख जाता है, जमीन पर ऐसी दरारें पड़ जाती है ना, और जो हमारी फसलें होती है, अगर फसलों को मुनासिब पानी नहीं मिले तो वो फसलें भी क्या होती है, सूख जाती है। और जब फसलें सूख जाएगी तो हमको अनाज मिलेगा वक्त पर बेटा खाने के लिए? नो मीस नहीं ना, नहीं मिलेगा। और पानी तो जैसे हम इंसानों को जरूरी है, वैसे देखो इन नबातात को जरूरी है, इन हैवानात को जरूरी है। देखो कैसे बेचारे पानी नहीं मिलने की वजह से मर गए है ना। तो ये क्यों होता है, बारिश नहीं होने की वजह से जो है जमीन पर कहर पड़ जाता है, तो उसकी वजह से ये सारे नुकसान होते हैं। देखो यहाँ पर भी कैसे जो है बरसात के पहले जब किसान फसल बोता है कि बरसात आएंगी और थोड़ी थोड़ी बारिश मिलने पे थोड़े थोड़े से ये पौधे उगे हैं है ना, और इन पौधों में क्या हुआ है, इनको बराबर पानी नहीं मिला तो ये वहीं पर मुरझा गए, और जो थोड़े बहुत बड़े हुए हैं तो वो भी उसकी वजह से, बरसात नहीं होने की वजह से सूख गए बेटा, मुरझा गए हैं और मुरझा सूख गए, गए सूख गए हैं, जल गए हैं वो, उनको पानी नहीं मिलने की वजह से। तो जब बरसात बहुत कम होती है, जरूरत से बहुत कम होती है, तो क्या होता है, क्योंकि कहत पड़ जाता है। मिस हाँ बोलो, सारी दुनिया को पानी की जरूरत होती है। वेरी गुड, सारी दुनिया को पानी की जरूरत होती है, शाबाश। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। ओके अब देखो यहाँ पर हम कुछ बता रहे हैं आपको, सिर्फ इसको आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, ये एक वीडियो है देखो यहाँ पर। नजर आ रहे हैं ना आपको? टीचर ओके देखो इसमें क्या किया, इस लड़के ने जो है एक पत्थर पत्थर उठाया फेंका है। और इस तालाब के पानी में उसने पत्थर मारा, तो देखो कैसे गोल गोल हिलकोरे बन रहे हैं, दायरे नुमा शक्ल नजर आई आपको? यस हम भी मिस ऐसे किसी पानी में देखो ऐसे करते हैं तो आता है ना बेटा, यस मिस या हमने देखा है ना ये फिर लहरें पैदा होती, ये लहरें पैदा होती है। हाँ मिस या बोलो। फिर कोई इंसान डूबता है तो भी आता है। अच्छा इंसान डूबता है तो भी आता है, तो क्या ऐसे हम इंसान को डूबने देते हैं क्या बेटा, उसको नो मिस बचाएंगे ना? बचाएंगे। हाँ हम लोग उसको बचाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर कैसे ये इसमें लहरें पैदा होती है पानी में है ना, तालाब का पानी कितना देखो थम गया एकदम से, लेकिन जब ये इस बच्चे ने उसमें पत्थर मारा तो इसमें कैसे लहरें पैदा हुई, देखो ये लहरें पैदा हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो बड़ी होते हुए किनारे तक के आके जो है वो लहर पानी फिर से पहले जैसी कंडीशन में आ गया। तो ये इसी तरह से हमारी जमीन के नीचे कुदरती तौर पर जो ना ऐसी लहरें उठती है, उसकी वजह से जमीन हिलने लगती है, और उसको कहते हैं, देखो हमने यहाँ लिखे हैं क्या कहते हैं, पढ़ो, जलजला। जलजला जब आता है तो जमीन, हाँ जमीन हिलने लगती है अपने, जैसे देखो अगर आप टूल पर खड़े हो, हाँ एक किसी टूल पर आप खड़े हो और उस पर जो है उसको नीचे से किसी ने हिला दिया, सीढ़ी पर आप खड़े हो, लकड़े की सीढ़ी पर आप खड़े हो और नीचे से कोई उसको हिलाने लगेगा तो क्या होगा, हम ऐसे हमारा बैलेंस आउट होता है और हम गिरने लगते हैं। तो देखो इसी तरह जब जमीन के नीचे जो है लहरें पैदा होती है, बेटा शोर नहीं करो आप लोग समझो, तो जब जमीन के नीचे लहरें पैदा होती है ना, तो देखो यहाँ पर कैसे इंसान खड़े है ना सब लोग, तो देखो क्या होता है जब जमीन के नीचे भी ऐसी लहरें पैदा होती है तो जमीन हिलने लगती है। ये देखो किस तरह से जमीन हिल रही है, तो देखो ये क्या हुआ, जमीन हिलने से ये ऐसे उसमें दरारें पड़ जाती है और जलजला, इसको क्या कहते हैं, जलजला आना, क्या कहते हैं बेटा?
जलजलाना। जलजला आना। अब जलजले के देखो क्या क्या नुकसान, देखो फिर से एक मतलब, देखो कैसे बेचारे, देखो देखो है ना, तो इस तरह के हादसात होते हैं। अब इसका बिल्कुल भी हमको अंदाजा नहीं होता है कि कब आने वाला है। हमको पता है जलजला क्या हमको बोलकर आता है? नहीं, यानी कुदरती आफात जो है वो बगैर बोले आती है, और उसको टालना हमारे बस में नहीं होता। इस बात को आप हमेशा ध्यान। हवा भी बोल के नहीं आती है। हाँ, हवा भी बोल के नहीं आती है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर जब इस तरह से जलजला आ जाता है तो क्या होता है, ये जो मिट्टी के मकानात पूरे घर पूरे टूट जाते हैं। हाँ देखो यहाँ पर ये तस्वीर नजर आ रही ना आपको कि किस तरीके से ये जो मिट्टी के घर बने हुए हैं, ये गांव वगैरह में होते हैं ना मिट्टी के घर बने हुए, अब तो गांव में भी ये इमारतें पूरा बन रही है, टूट चुके तो हैं। देखो पूरे टूट गए और कैसे लग रहा है कि घर था कभी, ऐसा नहीं ना, ऐसे लग रहा है पूरा मिट्टी का ढेर में तब्दील हो गया है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो बिल्डिंगे हैं किस तरीके से टूट गई है, बिल्डिंग पूरा पूरे टूट गए। पूरी टूट गई है। देखो और एक हम बताते हैं यहाँ पर है, देखो अब जब ये अचानक तो रास्ते पर खड़ी हुई और गाड़ियों कार पर, पूरी चूर चूर हो गई। हाँ वेरी गुड, ये देखो यहाँ पर जो बिल्डिंग अचानक से गिर गई, तो जो गाड़ियां खड़ी हुई रहती है रास्तों पर वो भी किस तरीके से जो है उसको नुकसान हो गया। अब यहाँ देखो ये ठीक रास्ता, है। अब अचानक अगर गाड़ियां वहां से चल रही होंगी और ऐसा हो जाए तो नेचुरली ना बेटा उनको भी नुकसान होगा ना, गाड़ी के चलाने वाले को, गाड़ी को तो नहीं। ये कुदरती आफात से जो हमने बताया था कैसे जानी और माली नुकसान होता है, और कुदरती आफात जो है वो हमको बोलकर नहीं आती, इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना है। ओके, अब जब ऐसे सूरत हाल पैदा हो जाए, हमने देखा आपको पिछली वीडियो में हमने बताया कि किस तरीके से जो बच्चा जो है समंदर में तालाब में पत्थर फेंका तो लहरें जो है कुछ सेकंड तक के चलकर फिर रुक गई, उसी तरह से ना ये सिलसिले की जो लहरें हैं ना बेटा जमीन के नीचे बस कुछ सेकंड तक ही रहती है और फिर वो थम जाती है। तो ऐसे वक्त पर हमको जो है बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। अब ये तो हो गया है ना, उसको तो हम रोक नहीं पाए, लेकिन हमको घबराना नहीं चाहिए, हमको हाजिर दिमागी से काम लेना चाहिए। देखो क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको ये पहली तस्वीर में नजर आ रहा है कि बिल्कुल भी हमको टेंशन नहीं लेना है। जब भी हमको ऐसा महसूस हो कि हमारी जमीन हिल रही है, हमको ऐसा महसूस हो, तो हमारे घर में पलंग है, टेबल है, कुर्सी होती है, तो हमें जो है उसके नीचे जाकर बैठ जाना चाहिए। बैठ ओके, जाना चाहिए। अच्छा ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस वजह से क्या होगा कि अगर कोई वजनी शय जो है, वजनी चीज जो है अगर गिरेगी तो हो सकता है इसकी वजह से हम बच जाएं, है ना। फिर ये जो है देखो यहाँ पर हमको दरवाजे की जो हमारी फ्रेम होती है ना, जहाँ हमारा दरवाजा होता है वहां पर हमको आके खड़े हो जाना है। वो भी क्यों खड़े हो जाना है? क्योंकि दरवाजे की जो फ्रेम होती है तो वो भी जो है मजबूत होती है, और उसके ऊपर भी जो है ऐसा सहारा रहता है कि हम पर कुछ चीज गिरने से बच सकते हैं हम। और जब देखो अगर हम रास्ते पर हैं तो जहां पर ऐसा हो रहा है तो दूर भाग भाग जाने का, और ये अगर पहाड़ वगैरह के करीब है तो देखो पहाड़ पर से पत्थर लुढ़कते हैं ना अचानक, तो ऐसी इस जगह से हमको दूर जाना चाहिए। और ये जो इलेक्ट्रिक के खंभे वगैरह होते हैं इनसे भी हमको दूर रहना चाहिए, क्यों? चाहिए। बिल्डिंगों से भी दूर और ये इलेक्ट्रिक के खंभों से भी दूर, हो सकता है ये गिरने से हमको करंट वगैरह लग जाए, है या नहीं? यस मैम। हमको इस बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। ये तो भी ये घर की बात, लेकिन अगर हम स्कूल में रहे और खुदा ना खास्ता ऐसा हादसा पेश आ जाए तो हमको क्या करेंगे हम लोग? बोलो जल्दी, कौन बोलेगा? कहाँ जाके छुपेंगे हम? टेबल के नीचे मिस के टेबल के नीचे, फिर ना, अपने टेबल अपने घर का के पलंग के बेटा वो नीचे। तो घर की बात, हम स्कूल की बात कर रहे हैं ना, हमारी जो डेस्क और बेंच होती है ना हमको उसके नीचे जाकर बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। और जब ये हादसा थोड़ा थम जाए तो लाइन बना के इत्मीनान से बाहर मैदान में हमको खड़े होना है, और बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि अगर हम घबरा के भागेंगे अफरा तफरी में भी हादसा हो जाएगा, तो इस तरीके से हमको बिल्कुल बचना चाहिए। और वक्ते वक्ते से जो है हमको खबरें सुनते रहना चाहिए, न्यूज़ सुनते रहना चाहिए कि हालात क्या चल रहे हैं आजकल, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और देखो फिर, और ये जो है हमारे बड़े बड़े शहरों में और हर जिले में जो है ऐसी एक टीम बनाई गई है हुकूमत की तरफ से,
कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसे हादसा पेश आ जाए तो जो है लोगों को बचाने के काम करते हैं। देखो ये लोग, आप लोग ने देखे होंगे ना, फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, आग बुझा लेते कहीं भी, आग लगने के बाद कोई ऐसे हादसा भी कहीं पर बिल्डिंग वगैरह टूट जाती है, फायर ब्रिगेड आ जाते हैं। हाँ देखो, जहाँ पर बिल्डिंग वगैरह टूट जाती है ना, तो वहाँ भी जो है ये लोग जो है इनकी टीम आती है और इस मलबे में दबे हुए इंसानों को जो है वो ढूंढ ढूंढ कर निकालती है, उनकी जान बचाती है। अब देखो ये आ रहा है, जैसे हमने तो वो जमीन के नीचे का बताया था, अब ये जो है, अभी आप लोग इसको देखो जरा, ये समंदर के नीचे उसी तरह से जिस तरह से जलजले में जमीन के नीचे जो है लहरें चलती है तो कितनी जमीन हिलती है, इसी तरह अगर समंदर के नीचे भी लहरें होती है तो ये जो समंदर के पानी की जो लहरें आप देख रहे हो ना, कितनी बड़ी लहर है ये देखे आपने, yes, समंदर का पानी भी जो ऐसे इस तरीके से हिलने लगता है और बहुत जोर से होता है। ये हमने आपको लास्ट लेसन में बताए थे कि हमारी जमीन पर जो है सिर्फ 21-29% जो है वो जमीनी हिस्सा है और 71% पानी है। तो जब पानी में ऐसे जलजला पैदा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, सुनामी। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अब जब ये सुनामी समंदर में आता है तो क्या होता है, समंदर की सतह का जो पानी जो है, हाँ आबादी में गिर जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं। वेरी गुड। देखो जब ये समंदर का पानी जब जो है समंदर में जलजला आता है, सुनामी, उसको सुनामी कहते हैं। जब सुनामी की लहरें पैदा होती है तो वो आबादी से करीब, यानी समंदर से जो आबादी करीब में होती है, वो पानी उसमें दाखिल हो जाता है। और इसकी लहरें बेटा पता है कितनी ऊंची होती है, 3 मील। अपने हम लोग देखते हैं ना 3 माले की बिल्डिंग, 4 माले की बिल्डिंग, आजकल तो टावर है, लेकिन उसकी लहरें 3-4 फ्लोर तक, इतनी ऊंची ऊंची उसकी लहरें होती है। और जब इतनी ऊंची लहरें आती है उसमें इतना जोर होता है कि वो अपने साथ पूरी आबादी, इतनी आबादी को भी समेट लेती है। देखो यहाँ पर कैसे, ये देखो यहाँ पर जब इसमें सुनामी आ गया तो कैसे समंदर का पानी रास्तों पर आ गया, और रास्ते पर आने के बाद उसके करीब जो ये आबादी है, इस आबादी में दाखिल हो गया। इस आबादी में दाखिल होने से क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे से घर है, ये सारे जो है वो पानी अपने साथ क्या करेगा, बोलो, समेट लेगा अपने साथ वो पानी अपने ले लेगा। तो इससे भी जो देखो कैसे नुकसान होता है, देखो कितनी बड़ी लहर, देख के हमको डर लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो ऐसे देखो बहुत से लोग जो होते हैं बरसात के दिनों में भी जो क्या सोचते हैं कि पानी बहुत भरा हुआ रहता है समंदर में, जुहू जाते हैं, चौपाटी जाते हैं, तो हमको ऐसी जगह पर नहीं जाना है। अगर कभी हाई टाइड होगा तो क्या होगा, हम भी जो है ऐसी चपेट में, इसकी लपेट में आ जाएंगे, तो हमको बहुत खतरा रहता है। हाँ बोलो बेटा। हम लोग ना संडे को ही चौपाटी जाते हैं। संडे को ही? हर संडे जाते बेटा? नो मिस, अलग अलग संडे को। ओके गुड, जाना चाहिए ऐसा कभी कभी, कभी कभी ही जाते हम लोग। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर हमने बताया था ना आपको कि जंगल में आग लग जाती है, तो देखो ये किस तरीके से, जंगल में तो कितने पूरे दरख्त ही दरख्त होते हैं, जंगल के जंगल दरख्तों से भरा हुआ रहता है। और जंगल में और क्या चीजें होती है, देखो यहाँ नजर है, जानवर होते हैं, जंगल पूरा जल जाते हैं। तो नहीं, मैंने पूछा बेटा, हमने पूछे कि जंगल में और क्या होते हैं, जानवर होते हैं ना। तो जब ये जंगल में आग लग जाए तो हमको, हम तो जंगल में रहते नहीं, लेकिन ये जंगल की आग भी जो है ना नुकसानदायक है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जंगलात से हमको जड़ी बूटियां हासिल होती है, अलग अलग है ना, हमारे जानवर होते हैं, तो ये भी जो है हमको जरूरी है। फिर पेड़ पौधों की वजह से क्या होती है, हमारी हवा साफ होती है, और जब ये जल के खाक हो जाएंगे तो क्या हमको ऑक्सीजन आसानी से मिलेगी बेटा, नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और बल्कि इनके जलने से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरी हवा में फैल जाती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है या नहीं। तो ये हाँ ये भी जो है बेटा आफत है। ओके अब देखो,
हमने बताया थे कि बड़े 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 शहरों हर जिले में कुदरती आफत के बाद जिंदगी में के लिए क्या करना है ये तय होता है। यानी सबको पता है कि कुदरती आफत है लेकिन कब आएगी ये पता नहीं है, तो ऐसे वक्त पर हमको क्या करना है। आवाज स्लो आ रही है। हाँ अब आ रही है बेटा। यस मिस। तो ऐसे वक्त पर जो है खास तरबियत याफ्ता लोगों की टीम होती है जो हमारी हिफाजत के लिए पहुंच जाती है और जरूरत पड़ने पर फौज के जवानों की मदद भी ली जाती है। ठीक है, अब देखो हमने क्या सीखा। अब हम बता रहे हैं आपको कि बरसात के मौसम में ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी की सतह बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, सैलाब कहते हैं। ठीक है, सैलाब कहते हैं। ओके, अब देखो नंबर दो, जब बरसात बहुत कम होती है ऐसे वक्त पानी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से जमीन सूख जाती है और उसे कहत कहते हैं। बरसात का ना नहीं होने से जो है जमीन पर कहत पड़ जाता है और जमीन के अंदर चट्टानों में हरकत होने पर जो लहरें पैदा होती हैं उसे जलजला कहते हैं। जलजला है ना, और जब समंदर में जलजला आता है तो समंदर में ऊंची लहरें उठती हैं, उसे सुनामी कहते हैं। ओके, ये हमारा हुआ आज का हमारा लेसन, इतना कंप्लीट हुआ। ओके, समझ में आया ना बेटा आपको? यस। अब आपको करना क्या है, हम आपको अपना आपका घर का काम बता रहे हैं। ठीक है? यस मिस। आपका घर का काम ये है कि ये जो कुदरती आफात जो चल रही है अभी, जैसे बरसात का मौसम है ना, बरसात का मौसम